अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं मोहम्मद आसिफ, तो आप देख रहे हैं आसफ 7870। तो इधर हम आज आए हैं चारा काटने के लिए। ये हमारी बरसीम वगैरह है, ये रास्ता इस तरह का है, देखो आप खुद ही। इधर से नीचे उतरेंगे और ये जो रास्ता पड़ा हुआ है ये देखो, ये हमारे पट्ठे इधर है गए हैं, तो हम पट्ठे काटने के लिए इधर आते हैं। हम पट्ठे काटेंगे तो फिर ही कुछ करेंगे। ये देखो भी रस्ता साढ़ा है, इतना साढ़ा ये रस्ता होता है। और ये अगे इतने ना असी लगने टपने, तो इसलिए ना इधर से हमने राह डाला हुआ है, पहले से ही राह डाला हुआ है, ये आप देख रहे होंगे। तो हमारी ये हमारी बरसेम है, ये इतनी इतनी बरसेम हो चुका है। चेक करो माहौल, चेक करो कैसा है। और ये भी रास्ता इधर से आगे है और हम आगे जाएंगे तो हमें खुद को मालूम हो जाएगा कि हमारा ये रास्ता कैसा है। तो इधर हम जब आएंगे तो ये हमारे पट्ठे हैं, इधर हमने हाथ लगाया हुआ है पाठों को पहले से और वो काट रहे हैं। ठीक है, वो अब्बू जी हमारे काट रहे हैं पाठे पहले, हमने इधर उठा के बस ले जाते हैं, फेंक देते हैं, बस हमारा ये काम है। बाकी इसका काम है, वो काटता है और मैं इधर से ले जाता हूँ हमारे पट्ठे हैं। ये हमारे पट्ठों का कद है, चेक करो कितने अच्छे हैं। और ये चेक करो हमारा, हमें क्या है, हमें तो फ़ायदा ये है कि चलो ये हमारा दूजा लो है, पहला लो जो था ना वो बहुत बड़ा था, इसे छोटा लो है ये। इसके हम दो पाँच चार थवे काट लेते हैं, जाके कुतर के पराली इसके बीच में कुतरते हैं और फिर हम उसके बाद मज्जे को डाल देते हैं। ये काटे पड़े हैं, पराठे काट लें हैं इसको हम, मतलब कि ये मेरी दातरी पड़ी है, ये मैं पहले काटता रहा हूँ लेकिन अभी नहीं फेंकूँगा इसको मैं इधर से ना उठा के लेके जाके। तो ये माहौल है हमारे पिंड का, पिंड पिंड होता है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, पिंड जैसी मौजें किधर रोक कहीं भी नहीं है। जितनी इधर पिंड में होती ना मज़े माहौल, उतना शहरों में नहीं होता। क्योंकि इधर ये देखो ना आप, ये हमारे मतलब के एक बूटा है, ठीक है, ये लहलाता है, इससे जो आगे हवा आती है वो इससे टकरा कर आगे फिल्टर होकर ताज़ा हवा में मिलती है, इसलिए ना पेंडा वाले जल्दी बीमार नहीं होते। जो पेंडू होते हैं ना वो बीमार जल्दी नहीं होते, वो ताकतवर सेहत याब होते हैं। जो होते हैं ना दूसरे शहरी, वो बीमार हो जाते हैं। ये सूरज कितना प्यारा है, ये माहौल है हमारा, इसलिए हम ना इधर पिंड में रहने का शौक़ रखते हैं। तो क्या ये जाने शहरी लोग हमारे हाल, पिंड वालों का ये कमाल का हाल है। ठीक है, पट्ठे तो तुम देख रहे होंगे, अब ये उठा के ले जाऊंगा मैं। बहुत भारे फसली तो होते हैं लेकिन हम भी क्या, फिर हमें काम जो करना होता है फिर काम ही इस तरह का होता है। आगे ये कनक है हमारी, तो कनक दिखाते हैं इधर से ना, थोड़ा सा सफ़र तो है, इधर से जाना पड़ेगा। ये कनक है हमारी, जो आप दाना पानी आटा वगैरह करते हो खाते हो ना, ये कनक है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये सारी कनक है हमारी अपनी। ओ आगे टावर वगैरह वो डिग्गी लगी हुई है, वो सफ़र है थोड़ा सा वैसे, लेकिन ना वो ये टावर जो जहाँ पर नज़र आ रहा है ना, जहाँ पर डिग्गी लगी हुई है, इधर से आता है हमारा पानी, इधर से ये कनक पड़ जाता है। वो आगे भी एक पिंड है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। हमारा मोबाइल है माड़ा सा, इसलिए हमारा जूम भी काम है मोबाइल का, रिज़ल्ट भी पूरा सूरा है। हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब तुम करोगे तो हम इधर से फिर मोबाइल ले लेंगे इंशाल्लाह। चलो मैं फिर अभी काम कर रहा हूँ, जोड़ लूँ और जा रहा हूँ। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।